दोस्तों जीवन में बनना है तो पैसों की तरह कीमती बनो, गिरने के बाद भी लोग आपको झुक के उठाएंगे। और दोस्तों एक बात सच्ची भी है और कड़वी भी कि आज के वक्त में सच्चे का शिकार होता है और झूठे को स्वीकारा जाता है। और किसी पे भी आंख बंद करके हद से ज्यादा भरोसा मत करो, क्योंकि अति विश्वास करना भी नुकसानदायक साबित होता है। चीनी हो या नमक दोनों एक जैसे लगते हैं, और आपका समय और आपका जीवन ये दोनों कीमती हैं। इसलिए समय भी उन्हीं को दे जो आपकी और आपके समय की कद्र करता हो। और लाइफ में सिर्फ पैसा पैसा करने वाले लोग एक बात याद रखें कि पैसे से आप जिंदगी जीने के तरीके जरूर बदल सकते हैं, लेकिन अपनी सोच और नीयत नहीं। और दोस्तों कामयाबी में सुकून देखने वाले सफल हो जाते हैं, और सुकून में कामयाबी देखने वाले अक्सर पीछे रह जाते हैं। और दोस्तों व्हाट्सएप हो या जिंदगी, लोग सिर्फ आपका स्टेटस देखना चाहते हैं, और मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। और किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं, और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कद्र खो देते हैं। और वक्त हमेशा किसी एक का नहीं रहता। आज तुम किसी को रुलाओगे तो यकीनन वक्त एक दिन आपको भी रुलाएगा। और दोस्तों एक बात बेशक कड़वी है परंतु सत्य है कि हम एक ऐसे वक्त में जी रहे हैं जहां ड्रामे देखकर लोग रोते हैं और हकीकत देखकर कहते हैं कि सब ड्रामा है। और जीवन में इतने व्यस्त रहिए कि पछतावा, डर, दुख और नफरत के लिए समय ही ना मिले, क्योंकि जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी रहता है। और दोस्तों मर्यादा रखनी जरूरी है। जब पैसे की कमी हो तब खर्चे में, और जब ज्ञान की कमी हो तब चर्चे में। और किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि बिना शादी के सिर्फ लड़कियां ही नहीं बल्कि बिना नौकरी के लड़के भी एक उम्र के बाद घर वालों पर बोझ बन जाते हैं। और दोस्तों महान दिमाग विचारों की चर्चा करता है, औसत दिमाग घटनाओं की चर्चा करता है, और छोटा दिमाग लोगों की चर्चा करता है। और अंत में बस इतना कहना चाहता हूँ कि फल के आने से वृक्ष झुक जाते हैं, वर्षा के समय बादल झुक जाते हैं, संपत्ति के समय सज्जन भी नम्र हो जाते हैं, अर्थात परोपकारियों का स्वभाव ऐसा ही होता है। यह कहना है श्री तुलसीदास जी का। तो दोस्तों इस वीडियो की सबसे अच्छी बात आपको कौन सी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना। तो मैं मिलूंगा आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मोटिवेशनल मंत्रा साइनिंग ऑफ।